अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद करूँ खैरियत से होंगे, मज़े में से होंगे। ठीक है जी, आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, आप लोग कहते हैं शैम्पू चेंज कर लेते हैं, बाल ड्राई डैमेज होते हैं शैम्पू चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, बाल टूट रहे हैं शैम्पू चेंज कर लेते, बाल गिर रहे हैं शैम्पू चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, बालों में जो ब्रेकेज हो रही है या हेयर फॉल जो है या बाल ग्रे होना स्टार्ट हो रहा है तो जी शैम्पू चेंज कर लेते हैं। शैम्पू क्यों बदलें, शैम्पू करने का तरीका क्यों ना बदलें? हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को दूसरों तक, ताकि मेरी मजीद वीडियोस आप तक भी पहुंचे और सब तक पहुंचे। और बेल आइकन को कर देना है प्रेस। हम लोग लेंगे मेथी दाना, जो आज का जो हम लोग मटेरियल बना रहे हैं ना, जो बालों के लिए, आपके बालों के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बाल सॉफ्ट एंड शाइनी होंगे, बाल गिरेंगे नहीं, बाल सिल्की स्ट्रेट होंगे। अगर ब्लैक नहीं है, ग्रे होना स्टार्ट हो चुके हैं तो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मजीद जो आपके बाल और जो व्हाइट हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर देगा, राइट। इसके अलावा जी, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम दो इंग्रेडिएंट्स अभी फिलहाल ले रहे हैं। इसमें एक चीज हम और भी ऐड करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या ऐड करना है, क्योंकि जो चाय की पत्ती हम ले रहे हैं, चाय के पत्ते और यानी कैफीन, यानी इसमें ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को शाइनी और सॉफ्ट रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने क्या करना है, 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ले लें, या उतना पानी लें जितना आपने शैम्पू करना। मैंने हमेशा शैम्पू की बात बताई है कि जब भी आप लोग किसी किस्म का भी शैम्पू यूज करोगे तो उसको पानी में डाइल्यूट करना है, ठीक है। Never ever apply directly on your scalp, because जब भी आप apply करोगे तो आपके scalp का जो pH balance है उसको irritate कर देगा, जिसका reason ये है कि आपको dandruff फ्री और जो भी hair falls या dry damage जो बाल हैं उनके issues start हो जाएंगे, ठीक है, बाल टूटना start हो जाएंगे। तो what we will do right now, हम लोग क्या करेंगे, 1.5 tablespoon के बराबर मैंने ले लिया है मेथी दाना, ठीक है, fenugreek seeds, और दूसरी चीज मैंने ले ली है चाय की पत्ती, ठीक है। आप कोई भी टी ले सकते हैं, लिप्टन हो या साशा भी हो आपके पास, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। हम दो इन चीजों को बॉईल करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी में, और इतना बॉईल करेंगे कि ये दोनों चीजें यकजान हो जाएं और जो हमारा मेथी दाना है वो सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, फूल जाए, और उसके बाद हमने इस पानी को ठंडा करना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी है इसमें मैं डाल रही हूँ, बट मैं मजीद इसमें एक आधा गिलास या आधा कप का पानी और डालूंगी। मैंने मजीद इसमें पानी डाल के अब मैंने इसको बॉईल करने रख देना। तो मैं इसको तब तक बॉईल करूंगी जब तक के मेथी दाना फेनुग्रीक सीड जो है फूल ना जाए, ठीक है, वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, फूल ना जाए, और जो हमारी टी है उसकी जितने भी बेनिफिट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस पानी में ना आ जाए, तब तक हमें इसको बॉईल करना। लाइक कम से कम 4 से 5 मिनट ये लेगा ही लेगा। पहले हाई फ्लेम पे रखें, फिर उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। जब हम लो फ्लेम पे रखेंगे तो वो जो चीज़ ग्रेजुअली बनती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है, ताकि इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे इस पानी में आ जाएं। अभी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, बट अब हम फर्दर इसको बनाएंगे, तो हम इसको इसी तरह हल्की आंच पर मैं पकने दूंगी जब तक कि फेनुग्रीक सीड फूल ना जाए। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी, इसका पानी भी रिड्यूस हो गया, ये दाना देख लें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा पानी रेडी हो चुका है। मज़ीद 1-2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको फ्लेम से उतार लूंगी और इसको ठंडा होने रखूंगी, ठीक है। ठंडा होने के बाद हमने इसको करना है छान लेना। पानी हमारा पक पक के हो चुका है रिड्यूस, अब मैं इसको करूँगी ठंडा। जब तक ये बिल्कुल प्रॉपर ठंडा ना हो जाए तो मैं इसको तब तक ट्रांसफ़र नहीं करूँगी किसी शीशे के बॉल में ताकि वो टूट ना जाए। तब तक जब ये बिल्कुल ठंडा होगा इसको मैं छान लूँगी और फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक चीज़, ठीक है, जो कि है शैम्पू। शैम्पू ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से विक्स करेंगे कि उसका जितनी भी झाग है वो बन जाए। आपने अगर ऑयलिंग की है तो ऑयलिंग के बाद आपको कम से कम 2 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है, राइट, और अगर ऑयलिंग नहीं की तो आप 1 ही दफ़ा शैम्पू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हो चुका है हमारा पानी ठंडा, अब हम इसको कर लेंगे छान। अब छानने के बाद हम इसका मटेरियल कर देंगे वेस्ट, क्योंकि अब हमें इससे
कोई फायदा नहीं होने वाला, जो भी इसके फायदे थे वो फवायद थे उसमें आ चुके हैं। अब दूसरे पॉइंट पे हम लेंगे कोई भी शैम्पू, जो आपका फेवरेट शैम्पू हो आपने वो लेना है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, ये आपकी इंटायर फैमिली के लिए बहुत है, ठीक है। बस इतना शैम्पू काफ़ी है, अब इसको अच्छे से आप लोगों ने विस्क करना है। ये देखें, जब आप नहाने जाएंगे तब आप इसको मिक्स करेंगे, तो तब आपको इसका झाग और फोमिंग जो इसकी जो भी है वो बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। इसकी खुशबू वैसे की वैसी रहेगी, किसी किस्म की चाय की पत्ती या जो मेथी दाना हमने फेनुग्रीक सीड्स यूज़ किया, किसी किस्म की भी स्मेल आपके बालों से नहीं आएगी, क्योंकि आप इसमें जो भी शैम्पू ऐड करोगे उसकी अपनी ही खुशबू होगी। अभी भी मुझे यहाँ पे इसकी फ्रेग्रेंस फील हो रही है, राइट। तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है, यकीन करें आपके बालों के सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जब भी नहाएं आप लोग इसी तरीके से नहाएं, और अपने बालों का शैम्पू यानी शैम्पू चेंज करने के बजाय उसका मेथड चेंज कर ले। सिंपल पानी में डाल यूज करने से बजाय आप लोग इसी तरह चाय का पानी या फिर साथ में मेथी दाना मिक्स करके, अगर इन दोनों में से कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप जस्ट वो भी ले सकते हैं। इसको बॉयल करें, उसमें अपने शैम्पू को ऐड करें, और जी आप जनाब उससे शावर लें। यकीन करें आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बहुत शाइनी हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं आज ये करने वाली हूँ, मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ लाजमन शेयर करूँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले, क्या नतीज थे इसके, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ भी। और तब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। को मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।